वो कब गया था? सही है, मगर वो थोड़ा कम रहते हैं। में आता है वहाँ जाके आफ्टर साहिबान के साथ और लोगों के साथ मिलके आवाम की मुश्किलात, आवाम के मसाइल सुनते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं कि उनका कोई अजारा निकल आए। उसी हवाले से आज पटन में भी आज हमने जो इतने भी यहाँ के आफ्टर साहिबान हैं, जो हेड्स हैं इस सब डिवीजन के, उनके साथ जायजा मीटिंग ली, जिसमें हमने पब्लिक वर्क्स, PHE, इरीगेशन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, पटन म्यूनसिपलिटी और बाकी जितने भी मामले थे उस पर हमने बात की। पटन के जो ट्रेड के इश्यूज थे, पटन बाजार की वाइडनिंग का इशू था, उस पर हमने ये फैसला वहाँ लिया कि DPR एक बना के सरकार से आगे गुजारिश करेंगे, चाहे यूनियन मिनिस्टर के पास जाना पड़े, हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ट्रोमा हॉस्पिटल के बारे में हमने बात की तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पटन के ट्रोमा हॉस्पिटल का बर्निंग इशू है, हमने मीटिंग में ही इनके आला जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, बाकी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी बात की और वो इशू भी रिजॉल्व किया जाएगा। इसी तरह जो पटन टाउन का और इंद्रगाम का बाईपास के साथ मिलाने का मसला था, उस पर भी बीकन के अहलकार थे, उनके ऑफिसर्स भी थे। उम्मीद है इंशाल्लाह सब मसलों का हल एक ही दिन में निकल नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इतना यकीन आपको दिलाएंगे, पटन के लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम आपकी ज़बान बनकर इंशाल्लाह आपकी बात हर जगह पहुँचाएंगे और आपके मसाइल आज ही हल नहीं होंगे लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जरूर हल होंगे। अगर हम पानी की बात करें तो आए दिन जो है पटन तहसील में हर जगह पे प्रोटेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस बारे से हमें बताइए। मुझे याद नहीं आ रहा है जो हमारी अंदर जो PHE के AW साहब थे उनका नाम क्या था, तो एक साल में पटन की जो मेन स्कीम है जिससे फिर आपका सिंगापुर आप उसका सारा एरिया कवर हो जाएगा, वो स्कीम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक साल में पूरी हो जाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ के इशूज हैं वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी अनरिजॉल्व्ड इशू थे वो हम सिविल सेक्रेटरी जाके एक रिव्यू मीटिंग, आज की मीटिंग का ये भी मकसद मेरा हर जगह होता है कि एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप ले लें, मतलब ग्राउंड जीरो से क्या क्या इश्यूज हैं, फिर इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सिविल सेक्रेटरी में जो कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे, बाकी अहलकार जो होंगे उनसे इंशाल्लाह डिस्कस करके, मैं उम्मीद है कि PHE का मसला भी एक साल में बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सर अगर बात करें सिंहपुरा की, नेशनल हाईवे पे वहाँ पर हॉस्पिटल है, हायर सेकेंडरी का मसला है, फायर सर्विस का मसला है, उस हवाले से बताएं। देखिए जनाब, आपको इतना पता होगा कि जो चीजें कोई अपग्रेड कहीं करना है, क्रिएशन करनी है, वो कैबिनेट करती है, मैं झूठ तो लोगों से बोलूंगा नहीं। सही, उस वक्त फिर उससे पहले बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिमांडें रिफ्लेक्ट होती हैं, जब बोर्ड मीटिंग लगेगी हमें सारे मामले इंशाल्लाह एज पब्लिक उठा लेंगे, फिर जहाँ ज्यादा फिजिबिलिटी होगी सब कुछ होगा, एक ही बार नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारा काम है लोगों की बात सरकार तक पहुँचाना और इंशाल्लाह जो जायज मांगे हैं वो इंशाल्लाह पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। जब बात करते हैं बिजली को लेकर, बिजली फीस को लेकर और सर्दियाँ विंटर्स आने वाले, बिजली की किल्लत रहती है, आज से 4-5 दिन पहले बल्कि एक हफ्ता पहले हमने बिजली के कमिश्नर सेक्रेटरी से सिविल सेक्रेटरी में डिटेल्ड मीटिंग ले ली, जिसमें चीफ इंजीनियर साहिबान भी थे, MD साहब भी थे, तो उसमें ये फैसला हुआ कि हर जगह जो हमने सजेशन दी उन्होंने मान भी ली, शेड्यूल जो कटौती का आएगा हर मस्जिद के बाहर लगा दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि बिजली कब आनी है कब जानी है पूरे कश्मीर में। हमें उम्मीद है कि वो उस चीज़ पर इंशाल्लाह चलेंगे और लोगों की मुश्किलात का इजाफा होगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक पेशेंट की भी डेथ हो गई थी इस ट्रैफिक जाम में, लेकिन इसका कोई अजाला नहीं किया जा रहा। उसके लिए एक तो बीकन का बाईपास पहले ही बन रहा है, उससे फिर आपका लोड जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा और अंदर भी ये तजवीज़ आई और अच्छी बात ये थी कि पटन की जो ट्रेडर्स बॉडी है उन्होंने खुद ही कहा कि हम पटन मार्केट की वाइडनिंग के साथ हैं, पहले कुछ इशू थे तो उसके लिए फैसला हुआ कि एक DPR बनाया जाएगा और कंपनसेशन भी अगर ट्रेडरों को मिलती है तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं, बट इट मे टेक सम टाइम, तो सारी चीज़ें एक ही दिन हल नहीं होंगी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उसका भी हल निकलेगा। रक्स एंड फार्म्स में जो अभी आपने सुना अंदर भी सुना कि हाँ, बिल्कुल बवाल मचा हुआ है कि हजारों घर जो है अभी उस पर रोज कमाई करते थे लेकिन अब वो पूरी तरह से है उस पर कमाई नहीं कर सकते, सर उस हवाले से वहाँ के अगर आपने भी देखा तो वहाँ के जो मुअज्जज लोग थे वो भी आए थे, वो चीज़ें शायद SDM साहब की कॉम्पिटेंस में नहीं है, तो अगले हफ्ते अगर ऊपर वाले ने चाहा हम इंशाल्लाह जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं जो बाकी लोग हैं उनके पास जाके डिटेल में बैठ के देखेंगे कि मसला कैसे हल किया जा सकता है। सर एक सवाल है, हमारा एक है नाले फिरोजपुरा, सर
उस पर हजारों की तादाद में घर, अगर हम उसको ट्रेजनिक का काम किया जाएगा तो हजारों के घर का मसला हल हो जाएगा सर। अगर उस पर अगर आप ही अंदर थे तो शायद उस पर हमने डिसीजन भी लिया कि जो महकमा रूरल डेवलपमेंट है, जो इरीगेशन के अफसर ने कहा वो उसमें ड्रेजिंग करेंगे, का काम उनका है, इंशाल्लाह हो जाएगा। का रोड पेंडिंग है जो गुरुमा बाबा ऋषि को करना, देखिए जनाब लगभग अब जमाने मुझे इतना याद नहीं कि वो रोड कहाँ है, लेकिन जो पीएम जसवे रोड की आप बात कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी तो बात होगी, चीफ इंजीनियर से भी उनकी बात होगी, इंशाल्लाह पक्का आपको मैं यकीन दिलाता हूँ जो भी जनरल इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व। लास्ट में और एक उस पर मैंने अभी श्रीनगर में देखे, कोई भी इंसानी जान जाए गलत बात है, हम तमाम स्टेक होल्डर से यही गुजारिश करेंगे, स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स से मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी, इंसानी जान की कीमत होती है चाहे कोई भी हो किसी भी शक्ल में हो, हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है रही है, इसीलिए इंजीनियर रशीद बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी, इशूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और हम तमाम उन लोगों से जो वायलेंस को अपना गोल अचीव करने का जरिया मानते हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, हमें बातचीत के टेबल पर आना है और बराबरी की बुनियाद पर बात करके सारे मसाले का हल निकालना है।